अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम के बाल रूप के रूप में की जा चुकी है, जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब एक और मंदिर दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि एक मुस्लिम खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात में बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसका सपना बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के मुखिया महंत स्वामी महाराज ने देखा था। क्या आप जानते हैं धर्मगुरु महंत स्वामी महाराज कौन है? आइए उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। वो चासन निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS स्वामीनारायण संस्था के छठवें आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज को जन्म 13 सितंबर 1933 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम मणिभाई नारायण भाई पटेल और माता का नाम दहीबेन है। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही मणिभाई के घर स्वामीनारायण संस्था के शास्त्री जी महाराज जबलपुर आए थे। उन्होंने ही मणिभाई के नवजात बेटे को नाम केशव दिया था। मूलतः गुजरात में आणंद के रहने वाले मणिभाई व्यापार के लिए जबलपुर आए और वहीं बस गए। उनके घर का माहौल काफी आध्यात्मिक था, जिसका असर बालक केशव पर भी पड़ा। माता पिता संतों का आदर करते और सत्संग में हिस्सा लेते और इससे केशव काफी प्रभावित रहते थे। केशव ने जबलपुर में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद एग्रीकल्चर साइंस में स्नातक किया। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव के कारण वो ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी योगी जी महाराज के संपर्क में आ गए और अध्यात्म की राह पर ही आगे बढ़ते गए। साल 1957 में योगी जी महाराज ने केशव को सदस्य दीक्षा दी, जिसके बाद उन्होंने अक्षरधाम मंदिर के निर्माण के दौरान सेवाएं दी। उनका पूरा नाम है स्वामी केशव जीवन दास जी, लेकिन प्रेम से दुनिया भर में भक्त उन्हें महंत स्वामी महाराज कहते हैं। उन्होंने प्रवचन करते शुरू किए तो बड़ी संख्या में भक्त उनसे प्रभावित होते रहे। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना सहजानंद स्वामी ने की थी, जिन्हें धनश्याम पांडे और स्वामी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 1781 में जन्मे स्वामी नारायण की महानता के कारण उन्हें लोग भगवान मानते थे। उन्होंने भारत का भ्रमण किया, दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की। उनके बाद अलग अलग गुरुओं और उत्तराधिकारी बनाए गए। स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज ने 20 जुलाई 2012 को महंत स्वामी महाराज को अपना उत्तराधिकारी यानी छठवां आध्यात्मिक गुरु घोषित किया। इसके बाद महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में BAPS संस्था ने देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में कई स्वामीनारायण मंदिर बनवाए। साल 1997 की बात है, महंत स्वामी महाराज संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे। तभी उन्होंने अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर की स्थापना का विचार व्यक्त किया था, जिसके जरिए अलग अलग देशों संस्कृतियों और धर्मों के बीच एकता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके सालों बाद संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने मंदिर के लिए जमीन आवंटन की घोषणा 2015 में की। भारत और UAE के बीच दोस्ताना संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए खुद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इस मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जमीन दान की थी। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE में थे, तभी BAPS के प्रतिनिधियों और वहां की सरकार के बीच मंदिर निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 20 अप्रैल 2019 को इसका शिलान्यास हुआ, जिसमें महंत स्वामी महाराज के साथ ही भारत और UAE के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। वहां अब 27 एकड़ में फैला मिडिल ईस्ट का पहला हिंदू मंदिर बन गया है।